नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का दोबारा से ट्रेंड लाइन पर एक लेक्चर है। आज हम लोग एक नेकेड चार्ट के ऊपर, ठीक है, एक खाली चार्ट के ऊपर हम अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जिससे हम उसमें एक बाय भेज सकें। ठीक है, तो आज हम लोग का जो चैप्टर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, कि ट्रेंड लाइन बनानी कैसे है, उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाने हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए हम लोग कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी। फॉर एग्जांपल चलिए टाटा मोटर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये टाटा मोटर खुला हुआ है, टाटा मोटर को एक पॉप आउट कर लेते हैं चार्ट को, और टाटा मोटर को देखते हैं कि टाटा मोटर के अंदर हम ट्रेंड लाइन कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमने पिछले क्लासेस में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखा था, लेकिन चूंकि ये क्लास जो है वो बिगनर्स के लिए है, तो हम ये देख रहे हैं कि टाटा मोटर के ऊपर हम लोग ट्रेंड लाइन कहां कहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस जगह पर हमारी ट्रेंड लाइन बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो चार्ट है उसे पहले आप छोटा कर लीजिए। छोटा करने का मतलब ऐसे करना नहीं है, छोटा करने का मतलब जिससे आपको बड़े से बड़ा चार्ट दिखे। देखिए, अब अगर मैं छोटा कर रहा हूं तो मेरे को बड़े से बड़ा चार्ट दिख रहा है। क्लियर, इसमें हम एक चीज चेक कर लेते हैं। पहले हम पीछे चले जाते हैं, पीछे कहीं पर भी, किसी जगह पर भी हम पहले की किसी जगह पर एक ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं। पहले की हम किसी भी जगह पर एक ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं, और ट्रेंड लाइन किस टाइम फ्रेम में बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम फ्रेम में बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक दिन की भी ट्रेंड लाइन बन सकती है, एक घंटे की भी बन सकती है, एक मिनट की भी बन सकती है, एक मिनट की बन सकती है, या 10-15 मिनट की भी बन सकती है। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि कितने आप टाइम फ्रेम लेना चाहते हो और किस पर अपनी ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हो। ठीक है, अब सपोज यही देख लेते हैं, यहां पर एक आपको लो मिल रहा है, एक आपको लो चाहिए और एक हाई चाहिए अपने बाय सेक्शन के लिए या सेल सेक्शन के लिए। तो मैंने यहां पर देखा कि मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, और मैंने सपोज मैं यहां से लेके पेन ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो पेन से हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हम कहां कहां पर अपनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैंने पेन दिया है, और इसमें मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि हम कहां कहां पर अपनी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे को एक लो कहां पर मिल रहा है, एक लो मेरे को यहां पर मिल रहा है ये नीचे, और एक लो उसके बाद मेरे को कहां पर मिला, ये वाला, उसके बाद दूसरा मिला मेरे को ये, और तीसरा मेरे को ये मिला। क्लियर, ये मेरे पास दूसरा लो है, ये मेरे पास तीसरा भी लो है, ठीक है, और ये मेरे पास एक और लो मिल रहा है, फोर्थ लो। क्लियर, तो अब मैं जो ट्रेंड लाइन बनाऊंगा वो देखिए कैसे कैसे हम लोग बना रहे हैं, मैं कैसे ड्रॉ करता हूं उसको आप जरूर देखिए, ध्यान से देखिए कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन को। मैंने यहां पर टूल लिया, और टूल लेने के बाद मैं यहां पर रे में गया, मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं इस समय। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने एक लो लिया यहां से, और मैंने इसके साथ में एक लाइन यहां पर मिलाई। देख रहे हैं, लो आप ये भी ले सकते थे, ये भी लो था, सपोज मैं यही लो ले सकता, ठीक है, तो ये भी आपका एक लो हो सकता था। दूसरा मेरा एक लो जो मेरे को मिल रहा है वो ये वाला है, तो मैंने देखे यहीं से एक ट्रेंड लाइन लो के लिए इधर खींच दी, ये भी मेरा एक लो बन गया। उसके बाद नेक्स्ट लो मेरा कौन सा बन रहा है, ये मल्टीपल आपके पास ट्रेंड लाइन बन रही है, तीसरा लो मेरा यहां पर बना है, 3 लो मेरे पास बने हैं। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि कभी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा स्टॉक, ठीक है, तो यहां कहीं आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर नीचे वाली पे आएगा, और अगर नीचे वाली को ब्रेक करेगा तो क्या हमारे पास और कोई भी ट्रेंड लाइन बन रही है, देख लेते हैं। ठीक है, एक मेरी ट्रेंड लाइन ये वाली भी बन रही है, ये वाली भी बन रही है, तो हम ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये मैंने बना ली, और कोई ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यस एग्जैक्टली मेरी ट्रेंड लाइन ये भी बनती है, तो मैंने ये भी ले ली नीचे वाली, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, मैंने यहां पर भी ले ली। तो अब मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे बन गई है, हमने एक ट्रेंड लाइन नहीं बनाई, हमने बहुत सारी ट्रेंड लाइन्स बना दी है अलग अलग, और एक देखिए मेरी ट्रेंड लाइन और भी जा रही है, वो ट्रेंड लाइन मेरी यहां से लेके और यहां तक जाती है, देख रहे। तो मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड लाइन को डिजाइन किया है, और अभी हम देख रहे हैं एक दिन में, तो जैसे ही मैंने यहां पर देखा कि मेरे इस जगह पर स्टॉक, इसको आप कहां पर यूज करेंगे, देखिए
ट्रेंड लाइन का यूज सबसे अच्छा कहां पर होगा? सपोज आप इस जगह पर देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके स्टॉक अब ऊपर उठ रहा है, तो किस जगह तक स्टॉक जा सकता है? इसमें पिछला हाई कौन सा बनाया हुआ है? इसमें पिछला हाई देखिए, एक ये हाई बना हुआ है और एक हाई ये बना हुआ है, क्या आप यहां से ट्रेंड लाइन खींच सकते थे? देखिए बना के देखते हैं। तो मेरी ट्रेंड लाइन दो मेरे को हाई चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, एक हाई मेरे को ये मिल रहा है, एक हाई मेरे को यहां पर मिल रहा है, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी। इसका मतलब अगर स्टॉक इस जगह से उठता है, ठीक है, इस जगह से अगर स्टॉक ऊपर अपना रिवर्सल लेता है, ठीक है, बुलिश रिवर्सल लेता है, तो स्टॉक कहां तक जा सकता है? स्टॉक इस ट्रेंड लाइन तक इजिली जा सकता है। आप चेक कर सकते हैं, यहां से ट्रेंड लाइन तक इजिली गया, फिर नीचे आया, नीचे देखिए इसने इस पर सपोर्ट लिया, दोबारा से यहीं पर ही देखिए एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, स्टॉक ने दोबारा से यहीं पर सपोर्ट लिया, दोबारा यहां गया, देख रहे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यहां पर, फिर नीचे आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया इसने, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद फिर देखिए यहां पर गया, लेकिन इस बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो दूसरी ट्रेंड लाइन आपकी कौन सी बनती थी? एग्जैक्टली यहां तक जाती थी, पर ये स्टॉक गया नहीं। रीजन क्या था कि यहां पर देखिए इसका एक रेजिस्टेंस है बड़ा सा, इन जगह पर एक रेजिस्टेंस है। इस एरिया को हम थोड़ा समझ लेते हैं, अगर मैं इस जगह पर देखता हूं तो मेरा देखिए ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो आप बाय सेल बहुत अच्छे ले पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो देखिए मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, तो अगर यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे ऊपर मूव करेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ठीक है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया अगर, तो इसका मतलब इसका बुलिश रिवर्सल आ सकता है, मतलब और ज्यादा ऊपर जा सकता है ये। लेकिन उस जगह पर हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, और वो दो चीजें क्या होंगी कि इसका देखिए रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है, इस जगह पर इसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इस जगह देख रहे ये पोर्शन जो है इसके रेजिस्टेंस का है पूरा पोर्शन, मतलब यहां से जब तक ये ऊपर नहीं निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह बना के आपको दिखा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं यहां से और मैं इस जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं। तो अगर मैं थोड़ा लाइन को मैं मोटा कर देता हूं और रेड लाइन ले लेता हूं यहां पर, तो देखिए मेरे पास था किस जगह पर आ रहा है, ये जोन से और ऊपर भी मेरा ये जो जोन है, ये मेरा एक जोन है जहां से मेरे को जो स्टॉक है वो रिवर्सल ले सकता है, मतलब उसको यहां पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। और ये हुआ, ये ट्रेंड लाइन से ये ऊपर चला, ट्रेंड लाइन जैसे इसने ब्रेक की, ब्रेक करते ही आपको एक रेजिस्टेंस जोन यहां पर मिल गया है जहां से स्टॉक रिवर्सल ले सकता है। लेकिन जब कभी भी ये स्टॉक यहां से ऊपर निकलेगा, कहां से, इस जगह से जब भी कभी ये स्टॉक ऊपर निकलेगा, ये इसकी हाइट है, जैसे ही ऊपर निकलेगा तो उसको यहां तक एक हाई मिल सकता है। हम देख लेते हैं कहीं पर आगे अगर ये हुआ होगा, थोड़ा आगे चल के जब भी कभी हमें ये लाइन ऊपर ब्रेक मिलेगी तो हमें एक बाय मिल सकता है। देखिए नीचे स्टॉक घूमता रहा, ये स्टॉक नीचे ही जाता रहा, अगर ऊपर गया होगा तो हम चेक करेंगे स्टॉक ऊपर गया है। ये देखिए दोबारा, अच्छा एग्जांपल है ये, दोबारा से हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी अपनी, दोबारा यहां पर देखिए यहां स्टॉक गया, फिर दोबारा गया रिवर्सल लिया, फिर ये इतना नीचे गिरा, नीचे देखिए इतना काफी नीचे आया ये स्टॉक, और उसके बाद जब ये दोबारा से इस जगह पर गया तो फिर से इसके रिवर्सल मिला। देख रहे हैं पाथ में ले जाते हैं लाइन को, जैसे ये यहां पर गया फिर से एक रिवर्सल मिला, फिर यहां पर गया रिवर्सल मिला, फिर गया, ये देखो ब्रेक करने की कोशिश की, ये आपका रेजिस्टेंस जोन ही है, ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया, यहां से आ गया नीचे। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया इसको, जैसे ही इसने यहां पर ब्रेक किया तो देखिए आपका सीएनसी के लिए बहुत अच्छा था, और वैसे भी जैसे ही ब्रेक हुआ तो उसके बाद आप इसका हाई चेक कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट का हाई है ये, अगर मैं देखता हूं तो ये आपको पूरा जो हाई मिला है वो अंदाजन 160 से ही लगा लीजिए, 160 से 272, मतलब अंदाजन 100 पॉइंट का आपको ये एक हाई मिला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जगह है, हम दोबारा से इसको चेक करते हैं, इसको हटा देते हैं, दोबारा हम आगे चेक करते हैं, हम केवल ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसी में ही ट्रेंड लाइन बना के अलग अलग दिखा रहा हूं, मेरा काम आज आपको केवल ट्रेंड लाइन बना के दिखाना है। हम फिर आगे आ जाते हैं, कहीं पर भी किसी जगह पर भी एनालाइज करते हैं, किसी जगह पर भी, ठीक है। अब देखिए मैं ये सपोज ये जगह ले लेते हैं, या एक डाउन ट्रेंड में ले लेते हैं, एक डाउन ट्रेंड में ले लेते हैं स्टॉक की, ठीक है। अब ये स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा था, देखिए
जहां पर स्टॉप किए ऊपर से नीचे गिर रहा था। अब आप यहां पर ट्रेंड लाइन कहां से खींचेंगे? तो ऊपर आपको क्या मिल रहा है? ऊपर आपको कोई जगह मिल रही है? ये देखिए, ये एक हाई मिल रहा है आपको, और भी कहीं पर हाई मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हाई है, ये हाई आपको मिल रहा है, ये हाई मिल रहा है, ये हाई मिल रहा है। सपोज आपका स्टॉक इस समय कहां पर है? आपका स्टॉक इस जगह ट्रेड कर रहा है, मतलब इस जगह ऑपरेट हो रहा है आपका स्टॉक, ठीक है? इस जगह पर आपका मूव कर रहा है स्टॉक, और आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। मेरी पोजीशन कहां पर है? इस जगह पर नीचे। मेरे को पता नहीं यहां पर बाय आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को डिजाइन करना है। तो मैंने अपनी ट्रेंड लाइन कैसे डिजाइन करूंगा? फिर से आप गए रे में, यहां से अपने आप हाई पकड़ा, एक ये हाई ले सकते हैं, चाहे ये वाला हाई ले लीजिए जो अभी आपको सही लगता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां से आप हाई लेते हैं, यहां से भी हाई ले सकते हैं, इस जगह से भी हाई ले सकते हैं। देखिए ये मैंने पकड़ा और मैंने अपना हाई बनाना शुरू कर दिया। कौन सा? ये मैं नहीं ले सकता था क्योंकि मेरा स्टॉक यहां पर इस समय ट्रेड नहीं कर रहा है, मेरा स्टॉक यहां पर है। इससे प्रीवियस जो भी ऊंचा बना होगा हाई, वो मेरे को चाहिए। तो मेरा हाई कौन सा हुआ? ये वाला, ये मैंने अपनी लाइन लगा दी, देख रहे जहां से मैंने अपनी हाई लाइन लगा दी है। और दूसरा, मैंने जो दूसरी लाइन मेरी लगी है वो कहां पर लगी है? ये भी नीचे से भी हमेशा ट्रेंड लाइन बनाइए। अगर आप ऊपर की ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो नीचे की भी हमेशा ट्रेंड लाइन बनाइए। तो देखिए, मैंने ये लो लिया और मैंने ये चेक किया, या तो ये भी हो सकता था मेरा लो, ठीक है, या यहां से भी हो सकता है। देखिए ट्रेंड लाइन आप कौन सी वाली मानेंगे? जहां पर मैक्सिमम कैंडल्स आपकी टच हो। अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो देखिए मेरी केवल एक कैंडल टच हो रही है, लेकिन अगर मैं ये लो को ले रहा हूं तो मेरी मैक्सिमम कैंडल टच हो रही है। तो हमारी जो ट्रेंड लाइन मानी जाएगी वो कौन सी है? ये वाली, ठीक है, बन गई। अब आपने ये देखा कि जब भी कभी स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, ये देखिए दो मेरे को हाई यहां पर मिले थे, दो लो ये मिले थे मेरे को, तो जब कभी ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और ये डाउन ट्रेंड में मूव करता रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, उसी टाइम आपके पास एक बाय इनिशिएट हुआ। और बाय कहां तक था? अब देखिए बाय कहां तक होगा, ठीक है, ये भी तो बहुत जरूरी है। अब मैंने क्या किया, मेरी एक हाई मेरे को ये मिल रहा है और एक हाई ये मिल रहा है, मैंने इन दो लाइंस को भी बना दिया, देख रहे हैं? सिंपल लॉजिक है आपके पास। हम ट्रेंड लाइन पे ही काम कर रहे हैं, अभी कोई इंडिकेटर हम यूज नहीं कर रहे, केवल और केवल ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसको पास में जाके और रिफाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, इसको भी आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ये आपके पास ट्रेंड लाइन बन रही है। और पास में करेंगे तो शायद आपको और अच्छी भी दिख जाएगी और डिजाइन कर पाएंगे अच्छी तरह से आप इसको। अगर मैं एक घंटे में लेता हूँ तो एक घंटे में देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर जा रखी है। और ये पीछे की लाइन थी, बहुत काफी और पीछे की लाइन थी हमारी, देख लेते हैं कहां की लाइन रही होगी, फिर देखते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया फिर देखते लाइन ये है लाइन, ठीक है। कभी भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब कभी भी आप ट्रेंड लाइन बनाएं तो उसको एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसकी सेटिंग जरूर करें। सेटिंग करनी बहुत जरूरी है। सेटिंग करने का मेरा मतलब ये है कि अब आप देखिए, हमने एक दिन में वर्क किया है, लेकिन जब मैं इसको एक घंटे में ला रहा हूं तो मेरे ये जो ये देखिए कैंडल्स, ये देखिए ऊपर नीचे हो रखी है, ये देखिए ऊपर नीचे हो रखी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेट कर देता हूं यहां से। ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपकी बहुत काम आएगी। दूसरा पीक हमने कौन सा लिया था? यहां कहीं पर हमारा दूसरा पीक था, देख लेते हैं हमारा दूसरा पीक कहां पर था। ये था हमारा दूसरा पीक, देख रहे हैं? लेकिन आपको ये दिक्कत इसमें आएगी कि इसको या तो दो घंटे में सेट कीजिएगा, ये दिक्कत आपके साथ आने वाली है पीछे, क्योंकि जब आप छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में ले जाने पर ये दिक्कतें आपको आ सकती है। अब देखिए ये मेरे पास मिल गया लाइन, क्योंकि देखिए इसके पॉइंट्स यहां पर है, और मेरी ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये देखिए मैं पास में करके दिखाता हूं आपको, ये लाइन जो है मेरी एक दिन में तो ठीक बनी है, लेकिन एक घंटे में या दो घंटे में मैंने देखा ये नीचे आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस जगह पर इसको और थोड़ा सा छोटा करके और इसको आपको थोड़ा सा और ऊपर ले आना है, देख रहे? अब मैंने अपनी लाइन को बिल्कुल सेट कर दिया, ठीक है। इधर से भी चेक कर लेते हैं, क्या मेरी लाइन ओके है? यस, मेरी लाइन ओके है, ठीक है। अब क्या ये वाली लाइन ओके है? यहां से ये वाली लाइन भी ओके है, बिल्कुल सही है।
अब मैंने इसे एक दिन पे जाके देखा वापस कि मेरा क्या हुआ। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? अब मैंने ये बोल सकता हूं कि अगर ये ब्रेक करेगा, ये लाइन बनी है, भारत की बाद में बनाई है हमने, ठीक है, लेकिन ये आपके पास एक जो लाइन है, देखिए हमें दो लो मिले थे, सॉरी दो हाई मिले थे हमें, और पहला हाई मेरा कौन सा था, और मिला दिया मैंने इसको, ठीक है, और सही कर दिया है। तो इसका मतलब जो मेरा यहां से अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है, यहां पर अगर ट्रेंड ब्रेक होता है तो मेरा कम से कम हाई कहां तक रहेगा, कम से कम हाई मेरा इस जगह तक रहेगा, यहां तक हाई रहेगा, ठीक है, ये हाई मेरा रहेगा। तो ये हमें ध्यान देना है, हमारी जो आपके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इस जगह से, तो हमारा एक हमें कहां पर मिलेगा, हमारा एक टारगेट कहां पर मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस जगह पर। आप यहां पर चेक कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पर इसने कितना सपोर्ट लिया है, देख रहे हैं इसके आसपास ही घूमती रही है, और जब इसको ब्रेक किया तो देखिए ऊपर गई, वापिस इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, वापिस ऊपर गई। ट्रेंड लाइन कौन सी है? छोटी सी, आपको लग रहा है बहुत छोटी ट्रेंड लाइन है, और जब भी देखिए इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन कितनी मजबूत होती है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो जैसे ही देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया नीचे की तरफ, देखिए फिर टूट के पूरा नीचे आ गया। कितने दिन सपोर्ट लिया इसने इस ट्रेंड, छोटी सी ट्रेंड लाइन पर, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस, पूरा एक महीना ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर घूमता रहा, और फिर जाके ये पूरी ब्रेक हो गई है, और तब आपका स्टॉक नीचे आया, देख रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रेंड लाइन का कितना बड़ा रोल होता है, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं। फिर हम आगे चलते हैं, अब देखिए आगे चलते हैं, फिर हम आगे आगे और आगे चलते हैं। इस समय देखिए करंट चल रहा है, ये हमारा करंट है, आपको भी दिख रहा है कि ये हमारा इस समय स्टॉक चल रहा है। अब हमें यहां पर इसमें ट्रेंड लाइन बना ली है, मैंने इसको जूम आउट किया, मैंने इसको देखिए कितना छोटा कर दिया मैंने इसको। अब मेरे को इसमें ट्रेंड लाइन बनानी है, और मैं इसकी ट्रेंड लाइन कैसे डिजाइन करूंगा ये देखते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले पास जाके देखा इसको कि मेरी ट्रेंड लाइन कहां कहां से डिजाइन हो सकती है, मैं मुझे नहीं पता यहां पर आगे क्या होने वाला, क्लियर। देखिए मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो मैंने यहां से ट्रेंड लाइन कैसे डिजाइन करनी शुरू की, एक हाई मेरे पास ये है और एक हाई मेरे पास ये है, मुझे नहीं पता कि ये लाइंस आगे कहां जा रही है, क्लियर, लेकिन मैंने इनको डिजाइन कर दिया, हो गया। चलते हैं आगे, मैंने और देखा इसको, ठीक है। अब देखिए आप खुद ही देख रहे हैं कि जैसे ये ट्रेंड लाइन में ये देखिए दो मैंने लिए थे हाई लोअर हाईज, और जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया देखिए पूरा नीचे जाता रहा, जैसे इसके पास पहुंचा फिर नीचे गिर गया, इसके पास पहुंचा फिर नीचे, जबकि पहले से डिसाइडेड नहीं था ये, हमने तो केवल ये दो लिए थे, हमने आगे देखा ही नहीं था। अब देखिए क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन आपके पास कहां तक जा रही है दो के बेस पर, ये देखिए दोबारा से कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि अगर आपने यहां से ट्रेंड लाइन ली है और ये दो केवल पॉइंट मैंने ज्वाइन किए थे, मैंने आपको ऐसे करके दिखाया था, मुझे नहीं पता था ये कहां पर है, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन नीचे आई है तो नीचे आने के बाद देखिए एग्जैक्टली आज भी उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे से आया, उस ट्रेंड लाइन के यहां पर देखिए टच किया, और ट्रेंड लाइन को टच करते ही ये वापस नीचे चला गया। कितने पर है ये आप खुद चेक कर सकते हैं, इस समय ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी यहां पर, लेकिन पूरा ब्रेक नहीं हुई, अगर यहां से ऊपर एक और निकल जाता तो एक आपको बाय मिलता बहुत अच्छा, पर ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद आपकी पूरी ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर नीचे आ गई, देख रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए ट्रेंड लाइन को हम और भी कैसे डिजाइन कर सकते हैं, अब एक मेरे को और हाई कहां पर मिल रहा है, एक मेरा एक ये भी है और एक ये भी है,
देख रहे हैं, ये मेरे को दो भी मिल गए। इसका मतलब आप क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर क्या हुआ होगा, देखिए यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ, आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे ही ये स्टॉक देखिए इससे ऊपर चलना शुरू हुआ था, यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर देखिए इस पर रुका नीचे वाली पर, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश की, फिर इसको तोड़ा, इसने ब्रेक किया, नीचे भी इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, नीचे भी इसकी कोई लाइन होगी जिससे जिस पर ये सपोर्ट ले रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली और ये वाली। लोग बोलेंगे इतनी सारी क्या करनी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये भी लाइन आपके पास एक लाइन हो सकती है, या फिर आपके पास दूसरी हम और देख लेते हैं, हमारे पास और कौन सी लाइन बन सकती है जो कि हमारे एक ट्रेंड लाइन का काम कर सकती है, ठीक है। अब सपोज मैं यहीं पर देखता हूं, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, और मैं ये देखना चाहता हूं कि सपोज ऊपर की मेरी कोई ट्रेंड लाइन है ही नहीं, अब मैं इसकी अपनी ट्रेंड लाइन बनाना चाहता हूं वन डे की, और सपोज मेरा स्टॉक फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं ट्रेड कर रहा है नीचे, तो मैं अपनी ट्रेंड लाइन अगर एक दिन की बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए यहां से लिया आपने और इधर बना, बन गया। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इस समय मेरी ये ट्रेंड लाइन यहां पर ट्रेड कर रही है, अगर इससे ऊपर निकलेगी तो मेरे को एक बाय देगी, और इससे नीचे जाएगी तो मेरे को एक सेल दे सकती है। तो ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन डिजाइन कर दी है। इसके अलावा मैंने एक ट्रेंड लाइन और बनाई है, क्योंकि इस समय मेरा स्टॉक यहां पर है, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहां से लेके यहां पर भी बना दिया, दो ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर डिजाइन की है, एक दो ट्रेंड लाइन मैंने डिजाइन की है, एक ट्रेंड लाइन मेरे पास है जो कि नीचे आ रही है, और एक ट्रेंड लाइन मेरे पास है जो कि ऊपर जा रही है, दो ट्रेंड लाइन यहां पर इस समय डिजाइन हो गई है। अब मेरे को नया काम इसमें क्या करना है, मेरे को इसमें ढूंढने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये क्या हुए, हमने अभी तक ट्रेंड लाइन डिजाइन करना देखा है, ठीक है, लेकिन हम अब ये देख रहे हैं कि मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं जहां पर मेरा स्टॉक मूव कर सकता है। तो मैंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन मैं ऐसे छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, अब मेरे को ढूंढने हैं लोज, लोअर लोज, लोअर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस, ऐसे कुछ सिस्टम ढूंढने हैं मेरे को। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा स्टॉक सपोज यहां से नीचे गिरा, देखिए, और पीछे से चलते हैं, और पीछे कर लेते हैं इसको, मैं यहां पर ले आता हूं, इस जगह पर ले आता हूं इसको। मैंने देखा कि मेरा जो स्टॉक है ना, वो एक जगह है जहां पर ये स्टॉक बार बार आके, सपोज देखिए यहां से आया, इधर रुका, फिर इधर आया, फिर यहीं कहीं रुका, इसी जगह पर ही, ठीक है, इसी जगह पर ही, फिर नीचे आके यहीं पर रुक रहा है। तो मैंने बोला कि जहां पर मेरा स्टॉक रुकता है, जहां पर उसे एक सपोर्ट मिल रहा है या रेजिस्टेंस मिल रहा है, उस जगह पर मैं इसके कुछ मार्क कर देता हूं। मार्क करने का मतलब क्या है, देखिए हम इसको ले लेते हैं, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं, कुछ ग्रीन ले लेता हूं, और कहीं पर रेड ले लेता हूं, जहां पर हमें अपने सपोर्ट मिलेगा वहां पर मैं ग्रीन कर देता हूं, और जहां पर मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पर मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो ये जगह मेरे पास ऐसी है, अब ये नीचे वाली जगह भी है, अगर नीचे की जगह मैं बात करता हूं तो मेरी कौन सी जगह मेरे को मिल रही है जहां पर मेरा रेजिस्टेंस या सपोर्ट मेरे को मिल सकता है, इस जगह पर, या डिमांड जोन बना सकते हैं आप इसे बोल सकते हो, तो मेरे को ये जगह मिल रही है जहां पर ये स्टॉक नीचे आ सकता है, और कहां नीचे आ सकता है, और कहीं पर भी है जहां पर ये नीचे आया होगा, कम से कम दो तीन बार स्टॉक आना चाहिए उस जगह पर, तो मेरे पास ये भी एक जगह बनती है, इस जगह से इस जगह तक भी मेरे पास एक जोन है जहां पर मेरा एक डिमांड जोन बन सकता है, क्लियर। ये दो जगह है, इसके अलावा मेरे पास और कौन सी जगह है जहां पर स्टॉक बार बार आया है, ठीक है, ये देखिए ये जगह भी है, पीछे से भी आप चेक कर सकते हैं आराम से कि कौन सी जगह है जहां पर मेरा स्टॉक बार बार आके ऊपर गया है, देखिए इस जगह पर स्टॉक आया था, ऊपर चला गया था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां पर आया, और फिर देखिए फिर अभी उसी जोन पर आके रुका हुआ है, क्लियर। ये हमारे पास है हमारे डिमांड जोन, ठीक है, मतलब जहां से स्टॉक बार बार ऊपर गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से मेरा जो स्टॉक है वो वापस नीचे गिरा है, उसके लिए मैं कर देता हूं रेड। देखिए ये मेरे पास एक जगह है जहां से ये दो तीन बार स्टॉक गिर चुका है, तो मैंने इसको ये एक मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, इसको पीछे तक ले लेते हैं क्योंकि यहां पर भी आया था, तो मैंने इस जगह पर भी मार्क कर दिया।
पहला मार्क मेरे पास ये हुआ जहां पर से मेरा स्टॉक नीचे गिरा था, ठीक है। दूसरा हमारा और मार्क क्या हो सकता है, एक डिमांड जोन आपके और भी ये भी बन रहा है, इसको भी मैं एक बार ग्रीन कर देता हूं, ठीक है, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूं क्योंकि ये भी मेरा डिमांड जोन पूरा बन रहा है, तो यहीं से ले लेते हैं इसको। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा, ये भी मेरा एक डिमांड जोन बन रहा है। और मेरा सप्लाई जोन और कहां पर बन रहा है, किस जगह पर मेरा स्टॉक जो है वो बार बार आके गिरा है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास इस जगह पे बना था, इसको मैं और पीछे कर देता हूं क्योंकि बहुत पीछे तक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप डाल सकते हैं इस जगह पर, आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरी हैबिट इसकी है तो मैं इसको बनाता हूं यहां पर। और कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां से स्टॉक नीचे गिरा है, ये देख रहे हैं, ये जगह, इस ये आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार भी इधर से गिरा, ये भी आप एक जोन मान सकते हैं, ये वाला देखिए, ठीक है। अब इसको ये जगह हो गई, ये आपको बड़ा दिख रहा है इस समय, अगर मैं इसको पास में ले जाता हूं, एक घंटे में ले जाता हूं, देखिए एक घंटे में बात करते हैं, तो देखिए एक घंटे में यहां पर क्या हो रहा है, मैंने एक दिन में तो बना दिया अपने डिमांड जोन सप्लाई जोन, अब मैं एक घंटे में भी डिजाइन करता हूं कि कहां कहां पर मेरा जो स्टॉक है वो बार बार आके गिर रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा यहां पर कि मेरा जो स्टॉक है वो इस जगह आके, ये देखिए एक बार दो बार फिर यहां पर और भी आया, तो मैंने इस जगह पर अपने यहां पर मार्क कर दिया, ये जगह मेरी ऐसी है जहां से मेरा स्टॉक बार बार गिर रहा है, तो इसको भी मैंने मार्क कर दिया, तो मेरी मार्किंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा और कहां से गिरा है स्टॉक, देखिए ये जगह जो है ये वाली जगह, ठीक है, ये जगह भी है जहां से मेरा स्टॉक जो है बार बार गिर रहा है, ये भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये जगह मेरी ऐसी है जहां से स्टॉक मेरा गिर रहा है बार बार, और कुछ जगह ऐसी है जहां से मेरा स्टॉक बार बार उठ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मार्क किए हैं, सारे मार्क नहीं किए, मैंने कुछ मार्क किए हैं, और मैंने अब ये देखा कि जैसे ही मैंने नीचे मार्क किया था तो अब मेरा किस वाले जोन में इस समय घूम रहा है स्टॉक, देखिए यहां से नीचे गिरा इस वाले जोन में आया, यहां से गिरा इस जोन में आया, फिर यहां से इसी जोन से ऊपर उठा तो यहां इस जोन में गया, वापस नीचे आ गया, फिर इस जोन को ब्रेक करके नीचे आया, और नीचे इसका कौन सा जोन होना चाहिए था, आपका होना चाहिए चाहिए था इस जगह पर, देखिए इस जगह पर डिमांड होनी चाहिए थी इसकी, इस जगह पर इसकी डिमांड बननी चाहिए थी, ये देखिए इस जगह थी इसकी डिमांड, आप चेक कर सकते हो इस जगह पर इसकी डिमांड थी, यहां पर डिमांड जोन बना था, लेकिन इस जगह पर इसने रुका नहीं और ब्रेक करके नीचे आ गया, एक ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था नीचे, लेकिन नीचे आपके पास कौन सा जोन था जहां से हमारा बाय जोन, फिर से एक बार देखते हैं दिन में, ये देखिए आपका नीचे कौन सा जोन बन रहा था यहां पर, ये हमने पहले से मार्क किया हुआ, ये यहां का मार्क नहीं है, ये पीछे का मार्क है, तो हमने इस जगह से इसको मार्क किया था कि ये हमारा एक डिमांड जोन है जहां से हमारा जो स्टॉक है बार बार ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर गया फिर ऊपर गया, हमने इसको मार्क कर दिया, और मार्क करके हमें क्या मिला है, हम देख रहे हैं कि हमारा स्टॉक यहीं से टच करके वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहां से टच करके हमारा स्टॉक ये नेक्स्ट टाइम भी यहां पर आया तो पॉसिबल है कि यहां से ये स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, कहां पर ऊपर जा सकता है, देखिए हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन से ही ऊपर चला स्टॉक, और कौन से जोन तक गया, नेक्स्ट जोन हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब इसके आप चाहे तो ट्रेंड लाइन के साथ भी इसमें वर्क कर सकते थे, कैसे कर सकते थे ये भी देख लेते हैं। अभी आपके पास एक हाई आपको ये मिल रहा है और एक हाई ये मिल रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, देखिए आपने अपने डिमांड जोन बना लिए हैं और मैंने इसका हाई भी बना लिया है, ये देखिए बन गया, तो अब मेरा ये एक मेरी ट्रेंड लाइन बन गई है, जब भी ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मेरा एक बाय मिलेगा मेरे को, लेकिन इससे ऊपर मेरा यहां पर एक जोन मिल रहा है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हो सकता है कि कल ये स्टॉक यहां से निकल के ऊपर जंप ले लें। नीचे से अगर आप इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो कौन सी बनेगी, एक ट्रेंड लाइन देखिए नीचे है और एक ट्रेंड लाइन ये दूसरी मिल रही है, तो मैंने इसको डिजाइन कर दिया, देखा। तो अब आपके पास क्या हुआ, इस समय हम देख रहे हैं ट्रेंड लाइन ने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा स्टॉक कल टाटा मोटर, तो एक डाउन ले सकता है यहां तक 153 तक का एक डाउन यहां पर मिल सकता है आपको देखने को। तो ये ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं कहीं पर भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिजाइन कर सकते हैं किसी जगह पर भी, और उनके बेस पर अपने बाय ले सकते हैं, ठीक है। एक किसी और स्टॉक में हम और देख लेते हैं, सपोज देख लेते हैं सन फार्म ही देख लेते हैं,
अब सनफॉर्म में अगर आप अपनी ट्रेंड लाइन डिजाइन करते हैं, इसके साथ और भी है, मूविंग एवरेज ले सकते हैं आप, या फिर दूसरा कोई इंडिकेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अगर एक दिन में देखता हूं तो एक दिन में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर मैं अगर इसकी ट्रेंड लाइन डिजाइन कर रहा हूं तो देखिए मेरे को एक लो मेरे पास कौन सा मिल रहा है, एक लो मेरे को मिल रहा है ये वाला और एक लो मिल रहा है ये वाला। तो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं यहां से अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो देखिए मेरी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए सिंपल लॉजिक, कुछ उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमें स्टॉक्स को कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सिंपल बिल्कुल सिंपल लेके रखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, जो मैंने पहले का बनाया हुआ है। एक मेरे पास पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, ये देखिए डे पर है इस समय, तो अगर मैंने इस पॉइंट को मिला दिया है तो मेरी देखिए एग्जैक्टली ये जो स्टॉक है सनफॉर्म, ये बिल्कुल यहां पर ट्रेड कर रहा है इस समय। आप चेक कर सकते हैं इस समय, ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और इस समय जो सनफॉर्म है इसको इसमें थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि लाइन्स अभी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती हैं ये सारी, तो इसलिए ये देखिए आप चेक कर सकते हो, इसका जो लाइन्स है ये एक दिन में अलग हो जाती हैं और फिर इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो अगर आप एडजस्ट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं इसको देख रहा हूं एक घंटे, अब देखिए अब क्या हुआ, चले वापस, ठीक है, वापस चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ शुरू से। मेरे पास ये एक दिन की ट्रेंड लाइन है और देखिए ये मैंने एक किया है, दूसरा मेरा ये ट्रेंड लाइन है, लो मैंने लिया हुआ है। हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको समझ रहे हैं, इसका मतलब सनफॉर्म अभी क्या होने वाला है, सनफॉर्म अगर एक डिप लेगा, ठीक है, ये देखिए एक चीज और, एक लो ये भी है और एक लो ये भी है, दिख रहे हैं। तो अब आपके पास ये ट्रेंड लाइन बनी है और ट्रेंड हमने बनाई, हम कोई इंडिकेटर अलग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, बाय सेल के लिए बहुत इंडिकेटर हैं और भी, लेकिन अभी हम ट्रेंड लाइन का केवल यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये भी ट्रेंड लाइन बनी है, तो ये ट्रेंड लाइन के बेस पर अगर ये स्टॉक नीचे आता है कल तो ये एक लो ले सकता है 396 का। इसका मतलब 396 पर हमें थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी कि 396 पर जब भी कभी ये स्टॉक आएगा तो इस जगह से अपना एक बाय इनिशिएट कर सकता है, यहां पर बाय इनिशिएट हो सकती है। देखिए अगर मैं इस जगह पर एमएसीडी लगा के आपको दिखाता हूं, इंडिकेटर आपको लगा के दिखाता हूं, तो देखिए इस समय क्या हो रहा है, यहां पर एक घंटे में देखिए इसने इस जगह से कहीं से बाय लिया है, यहां से इस जगह से देखिए इसने बाय इनिशिएट किया है यहां पर। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर ये नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, यहां से देखिए ले सकता है, हो सकता है ऊपर ही निकल जाएंगे, लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, मार्केट ने थोड़ा बेयरिशनेस दिखाई, तो एक नीचे आके हमें इस जगह पर कहीं पर ये 404 पे चल रहा है और हम 395 या 396 पर इसे एक अच्छा बाय ले सकते हैं अगर हमें मिलता है। और अगर इसका ट्रेंड ब्रेक होता है नीचे की तरफ, ये भी ब्रेक हो जाती है, दोनों से ब्रेक होगी तो आपको एक गोल्डन बेयरिशनेस मिलेगी जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में अगर मैं एक ट्रेंड लाइन और भी बना देता हूं, ये देखिए ये ले लेते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ले लेता हूं तो देखिए अगर इससे ऊपर निकलेगा 408 से तो भी आपको एक अच्छा बाय दे सकता है। और अगर मैं इसका एक डिमांड और सप्लाई जोन बनाता हूं एक घंटे का, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास डिमांड जोन सप्लाई जोन बनेगा इसका, ठीक है, दोनों चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक बार स्टॉक ये वाला है, यहां से वापस गया है, बना लीजिए, ऐसा नहीं बहुत बार गया हो, लेकिन आप अपने बना के रखिए जिससे आपको इसमें फायदा हो, ठीक है। ये आपने दूसरा डिमांड ये सप्लाई जोन बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर भी कोई मिल रहा है आपको, यस, ये देखिए ये पोर्शन है, यहां से भी आपका स्टॉक बार बार वापस जा रहा है, तो आप इस पोर्शन को भी अपने रडार में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पर एक जोन है, हालांकि होना है डिमांड जोन चाहिए था, लेकिन ये देखिए इस जगह पर भी आपके पास एक जोन है जो कि एक सेल जोन क्रिएट करता है इस जगह पर, ये पूरी जोन बन गया, ये यहां पर भी आपका एक सेल जोन बन रहा है, यहां से भी आपका स्टॉक वापस जा सकता है,
ठीक है। इसके अलावा और कौन सा जोन बनता है, ये भी आपके पास एक जोन है जो कि सेल जोन का काम कर सकता है, होना डिमांड जोन से ये, पर चूंकि स्टॉक इससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका एक ये भी एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो अभी अगर 10 मिनट में देखते हो तो देखिए क्या हुआ, 10 मिनट में ये सारे आपने चेक कर लिए और स्टॉक आपका अभी भी बेयरिशनेस में है। तो एक नीचे यहां पर डाउन देखे, इस जगह से कहीं से एक बाय ले सकता है। तो ऐसे आप अपनी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं और यहां से आप अपनी बाय इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो ट्रेंड लाइन था, उसके साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको किसी भी स्टॉक में कैसे ड्रॉ करने हैं वो हमने देखे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मेरा नाम वीरेश्वर वशिष्ठ है, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं। देहरादून उत्तराखंड में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव है हरावाला, मैं वहां से ट्रेड कर रहा हूं। मेरे साथ कई सारे लोग ट्रेड करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8433077168, आप भी मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो क्लास मैंने करी है ये बिगनर्स के लिए है, जो प्रोफिशिएंट है जो अपने ट्रेड लगा सकते हैं उनके लिए क्लास नहीं है। जो बिगनर्स हैं जिनको पता नहीं है कहां से ट्रेड लेने हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन होती है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, उन सब के लिए मेरे पास एक क्लास है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।